गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के गढ़ राजिम ब्लॉक मुख्यालय में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में राजिम के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा गरियाबंद के द्वारा रोजगार और बेरोजगारी भत्ते को लेकर के राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने 3.5 साल में चुनावी जन घोषणा पत्र में युवाओं के लिए किए गए वादों में से अब तक एक भी पूरा नहीं कर पाई है और राज्य सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए गए वादा खिलाफी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क की लड़ाई लड़ रही है। युवाओं को नौकरी और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। युवाओं को इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। धरना प्रदर्शन के बाद में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में बरसते पानी के बीच में पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार की चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए 36 वादों को लेकर के तीखा प्रहार किया और कहा कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की आम जनता से बड़े बड़े लोक लुभावने वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्हीं वादों में से युवाओं के लिए घोषणाएं की गई थी जिसमें युवाओं को रोजगार और शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी जो कि युवाओं को अब तक नहीं मिल पाया है। राज्य की कांग्रेस सरकार बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात करती है और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में लगभग 20,000 युवाओं को नौकरी दिए जाने का आंकड़ा पेश करती है। लोकेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। जनता युवा मोर्चा जिला गरियाबंद के नेतृत्व में आज राजिम विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और एसडीएम कार्यालय घेराव था, जिसमें से हमारे 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस सरकार ने जब सत्ता पाने की लालसा से लोक लुभावने वादे किए थे और 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जो आज पर्यंत अधूरा है, आज पर्यंत पूर्ण नहीं हुआ है। 46 माह चल चुका है और एक स्थानीय राजिम मंडल के एक हमारे युवा साथियों को पुलिस के बर्बरता के द्वारा उत्पीड़न करके उन्होंने मजबूरन आत्महत्या किया, जिसके कारण हम मजबूरन यहां पर आज एसडीएम कार्यालय घेराव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये उग्र आंदोलन का स्वरूप लेगा और आने वाले दिनों में अगर न्याय नहीं मिलता है युवाओं को और पीड़ित परिवारों को, कहूँ जिला गरियाबंद के युवाएँ जो 47,000 हैं पंजीकृत युवा बेरोजगार, वो सब चले और हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके अपने मांगों को मांगे और अपने अधिकारों का रक्षा करें। अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला है हम लोगों को। हमको न्याय चाहिए, पुलिस वाले तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। एक महीना हो गया, कोई न्याय नहीं है यहाँ, नहीं कोई नहीं आया, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हमारे घर। हमें न्याय चाहिए और पुलिस सस्पेंड होना चाहिए। जिन जिन ने मेरे पति को पीड़ित किया है उनको। जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसे प्रमुख रूप से हमारा मांग नहीं है, हमारा अधिकार है। जो भूपेश बघेल जी युवाओं को नौकरी देने या उसके बाद बेरोजगारी भत्ता देने की बात जो किए थे, वादा से आज मुकर गए। 3.5 साल हो गया, कोई भी युवाओं के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना कोई बेरोजगारी भत्ता दिया गया। वो हम मांग करने के लिए आज ज्ञापन सौंपने आए। इसके साथ साथ अभी एक पुलिस प्रताड़ना से एक नवयुवक देवरी का राजेंद्र सहानी जो ग्लानी वश आत्महत्या कर लिया, उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस यथावत है, न तो